नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज का जो आपने थंबनेल देखा है कि आप क्लास को बीच में स्किप कर सकते हैं, तो बेसिकली जो है काफी सारे लोग जो कि फोन कॉल्स पे भी पूछते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछते हैं कि सर, आपके यहाँ क्लास ज्वाइन करने के बाद अगर मैं चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाया, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक अपना अलग अलग मतलब कि ब्रेन है। कुछ लोग टेक्निकल चीज़ों को बड़ी आराम से फॉलो कर लेते हैं और कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अगर मैं उन चीज़ों को सही से फॉलो नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या करूँगा? तो भाई साहब, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने फ़ोन पे भी बताया है और मैं जहाँ भी है मैं यही बताता हूँ कि देखिए, आप हमारे यहाँ मोस्टली जितने स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बेसिकली उनका स्टेबलाइजर एंड रेफ्रिजरेटर होता है और दोनों की दोनों कोर्सेस सब साथ करते हैं। तो अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो बिफोर सबसे पहले स्टेबलाइजर की क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है? तो इसके अंदर जो है करीबन 4 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट देकर जो आए हैं आप उसी के अंदर अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? 4 दिन तक आप क्लास करेंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आएगी, मेरे बताने का तौर तरीका पसंद आएगा और अगर आपको तमाम चीज़ें पसंद आती हैं तो आप जो है 50% पेमेंट करते हैं, ठीक है? फिर आपकी स्टेबलाइजर की क्लासेस चलने लगती है और स्टेबलाइजर की चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो आपको ये कंफर्म है कि फिर हमें रेफ्रिजरेटर भी करना है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर के करीबन 10 दिन के बाद स्टार्ट होती है। जब आप यहाँ आते हैं तो करीबन 10 दिन जब स्टेबलाइजर की क्लास चल जाती है तो फिर हमारी रेफ्रिजरेटर की क्लासेस स्टार्ट होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर, मैं सिर्फ और सिर्फ स्टेबलाइजर ही करके छोड़ दूंगा। अगर आपको फिर भी अगर ना पसंद आए तो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ जो आए हैं 4 दिन के क्लास के अंदर भी आप यहां से जा सकते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो आपका 1,000 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है सिर्फ वही जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ स्टेबलाइजर, तो सिर्फ स्टेबलाइजर में आप करके जा सकते हैं। आप रेफ्रिजरेटर अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, नहीं कर सकते अगर आपको उतने अच्छे से समझ में ना आ रही हो हमारे बताने का तौर तरीका या तमाम चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें हैं, फ्रैंक है सारी की सारी चीज़ें। आप यहाँ पे आए और विजिट करें, अगर तमाम चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कहीं भी लगती है कि नहीं, आगे हम नहीं कर रहे, तो आप बीच में उसे स्किप कर सकते हैं। स्किप का मतलब कि या तो 4 दिन का जो पीरियड होगा जिसमें आपको जो पेमेंट है वो जमा करना है, आप उस बीच में आप स्किप कर सकते हैं, या स्टेबलाइजर की फीस देकर स्टेबलाइजर के बाद रेफ्रिजरेटर को स्किप कर सकते हैं। और अगर तमाम चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप दोनों कोर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जो सस्पिशन है जो काफ़ी लोगों के दिमाग में चलती है, तो बेसिकली इसी सस्पिशन को इस वीडियोस के अंदर मैं दूर किया हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं तो 10 अप्रैल से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है, तो चाहें तो आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट की एड्रेस और फोन नंबर है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आप दरभंगा से बाहर हैं, आप दरभंगा जंक्शन पे आएंगे, मैं डायरेक्टली वहां से आपको रिसीव करवा लूंगा, या फिर मैं खुद ही आपसे आपको रिसीव कर लूंगा। और अगर आप आसपास के हैं तब तो बड़ी आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। तो फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक अपना अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय।